अपहरण और थाने में फायरिंग करने के मामले में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया समेत 20 लोगों को कोर्ट ने निर्दोष ठहराया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राजा भैया और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थक एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। दरअसल ये मामला 14 साल पुराना है। साल 2010 में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव थे। 19 दिसंबर 2010 को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए बीडीसी सदस्य का अपहरण हो गया। इसको लेकर तत्कालीन बसपा नेता मनोज शुक्ला और राजा भैया के बीच अदावत हो गई थी। बताया जा रहा है कि हाईवे पर करीब 2 घंटे तक दोनों तरफ से गोलीबारी की गई थी। इस घटना ने प्रदेश में बसपा सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद बसपा नेता मनोज शुक्ला की शिकायत पर कुंडा कोतवाली में राजा भैया, एमएलसी गोपाल जी, विधायक विनोद सरोज और कौशाम्बी के तत्कालीन सांसद शैलेंद्र समेत 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं, इस मामले में राजा भैया, गोपाल जी, विनोद सरोज और शैलेंद्र को जेल भी जाना पड़ा। हालांकि सरकार बदलने पर वो जेल से बाहर भी आ गए थे। इसके बाद शासन ने 2014 में मुकदमा वापस लाने का आदेश दिया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुकदमा वापसी की अनुमति नहीं दी थी और इसके बाद राजा भैया ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए राजा भैया समेत सभी 20 लोगों को निर्दोष ठहराते हुए बरी कर दिया। इसी के साथ राजा भैया पर लगे 14 साल पुराने दाग धुल गए हैं।